तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube चैनल डिलीट कैसे करें। तो डिलीट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा और हम लोग YouTube चैनल को डिलीट क्यों करेंगे, किस प्रोसेस में करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसे क्लिक कीजिए और पास में बेल आइकन होगा उसे भी दबा लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रदीप, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूबर प्रदीप दास। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल हम लोगों को डिलीट क्यों करना पड़ेगा, तो कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि यूट्यूब चैनल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम लोगों का जो जीमेल नेम देते हैं वो शायद आपके अपने आप से परे हो जाता है, यानी कि दूसरा कुछ हो जाता है। कभी कभी हम लोग का जो नंबर होता है वो दूसरे नंबर में वेरिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी हम लोग का जो नेम होता है यानी कि यूट्यूब चैनल नेम देने वक्त कुछ ना कुछ कैपिटल लेटर हट जाता है या छूट जाता है, तभी हम लोगों को YouTube चैनल डिलीट करना पड़ता है। या तो मान लेते हैं आप एक चैनल बनाया है टेक्निकल प्रदीप, मैं अपना नाम ले लेता हूं, टेक्निकल प्रदीप में आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, मान लेते हैं दो स्ट्राइक आ गया, आप वो चैनल तो गया, उसमें कुछ व्यूज भी नहीं आता होगा, ठीक है मान लेते हैं। तो आप लोगों को फिर से टेक्निकल प्रदीप ही करना है, तो टेक्निकल प्रदीप सबसे पहले आपको वो चैनल डिलीट करने के बाद ही टेक्निकल प्रदीप बनाएंगे तो आपका चैनल रैंक होगा। तो कभी कभी इसीलिए हम लोगों को YouTube चैनल डिलीट करना पड़ता है। तो आपका सवाल होगा कि अब डिलीट कैसे करें, तो सिंपल सा आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्रोम में आना है, क्रोम में आने के बाद आप लोगों को YouTube.com सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सिंपल सा थ्री डॉट ऊपर का क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं नीचे में डेस्कटॉप साइट मिल जाता है, डेस्कटॉप साइट कर लेना है। तो जैसे ही डेस्कटॉप साइट कीजिएगा तो सिंपल सा आप लोग ऊपर में मिल जाएगा आपका YouTube DP। सिंपल सा आपके YouTube DP पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आप लोग YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर लेना है। जैसे YouTube स्टूडियो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद देख सकते हैं नीचे में आप लोग को एक सेटिंग मिल जाता है, सिंपल सा इस सेटिंग पे क्लिक कर लेना। आप लोग सोच रहे हो इसी सेटिंग में मिल जाएगा, बट आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि ये सेटिंग और भी है। तो सिंपल से यहाँ पे आने के बाद आप लोग को मिल जाता है चैनल का ऑप्शन, चैनल पे क्लिक कर लेना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, सिंपल सा एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को मिल जाता है यूट्यूब मैनेज सेटिंग। यहाँ पे जैसे मैनेज यूट्यूब सेटिंग में क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को फिर से क्रोम आप लोग सेलेक्ट करके जस्ट वंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का न्यू वेबसाइट ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद क्या करना है, सो सिंपल सा देख सकते हैं आप लोगों को नीचे में मिल जाता है एडवांस सेटिंग बोल के, एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपल सा थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है यूजर आईडी, चैनल आईडी, मूव चैनल और डिलीट चैनल। तो सिंपल सा अगर हम लोग जैसे ही डिलीट चैनल पे क्लिक करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्लिक ही कर ही लेते हैं तो न्यू वेबसाइट यानी कि हम लोग अब जीमेल का पासवर्ड देंगे, उसके बाद डायरेक्टली चैनल डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है यानी कि यूट्यूब चैनल में सारा नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा तो आई बटन मारा हुआ जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। तो जाते जाते शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई दूसरी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।